चेक करें नीचे व्यूज। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम उज़ुंगुल नियर त्राबज़ोन इन ईस्ट तुर्की। आज का हमारा प्लान ये है कि मौसम काफ़ी ख़राब है और आज का मेरा कोई प्लान नहीं है, मतलब ये है कि मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ एक नाइट और, क्योंकि कल हम यहाँ पे पहुँचे थे काफ़ी लेट और मुझे काफ़ी थकावट हुई है। उसके अलावा मैंने इस एरिया का कुछ ख़ास देखा नहीं है। मेरे साथ जो है बुराक और गुरकन। बुराक को जाना है त्राबज़ोन क्योंकि उसकी बाइक जो है उसकी कोई इंस्पेक्शन वगैरह होनी है। गुरकन जो है वो भी उसके साथ जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक नाइट या दो नाइट, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर और स्टे करूँगा। तो आज का प्लान एटलीस्ट ये है कि मैं यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ और होपफुली कि अगर जब आज मौसम थोड़ा सा क्लियर होगा तो मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करूँगा। अगर मौसम क्लियर नहीं होता तो मे बी कोई छोटी मोटी राइड हम ज़रूर करेंगे, ताकि थोड़ा सा जैसे ऊपर जाते हैं यहाँ पे कुछ याइलाज उनको कहते हैं, जो माउंटेन के टॉप पे छोटे छोटे विलेजेस वगैरह बने हुए हैं, हट्स बनी हुई हैं, तो वहाँ पे अक्सर होता ये है कि वहाँ पे मौसम ठीक होता है, नीचे जो वैली होती है वहाँ पे मौसम ठीक नहीं होता। तो हो सकता है कि ऊपर मौसम ठीक हो, इसलिए मैं ऊपर जाऊँगा, थोड़ी बहुत राइड करेंगे। यहाँ पर जो हमारा होटल था काफ़ी अच्छा मिला था, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे, लेकिन हमें 300 लीरा में इतना अच्छा रूम मिल गया तीन बंदों के लिए। साथ में ये कि इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। तो अभी मेरा प्लान ये है कि हम जाएंगे नीचे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, इनको गुड बाय करते हैं, और उसके बाद मैंने देखना ये कि अगर इनके पास यहाँ पे कोई रूम अवेलेबल है तो मैं एक नाइट यहाँ पे स्टे कर लूँगा। अगर कुछ चीप और मुनासिब रूम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा आसपास में। कोशिश मेरी यही होगी कि मुझे यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि मेरा दिल नहीं है कि मैं सामान पैक करूँ किसी और जगह जाऊँ। तो अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि ये कहते हैं 4-स्टार होटल है, तो 4-स्टार तो भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन 300 लीरा में अगर हमें 4-स्टार मिल जाए तो हम वो ले लेंगे। ठीक है, अभी निकलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए और साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह अपने दिन के प्लान बताता जाऊंगा। बुराक इज एक्चुअली लीविंग अस बिकॉज गुरकन इज गोइंग टू स्टे फॉर सम मोर hours, yeah, okay. Maybe 1 hour because he needs some files from me. So thank you so much, Burak. It was You're lovely welcome. Meeting thank you. Thank you, man. It and was maybe really we pleasure. Meet again in yeah, the hopefully, road. Hopefully, yeah. Enjoy. In somewhere in the world, maybe. Yes, or maybe also in Turkey somewhere. Yeah. So enjoy your ride. Thank you, bro. Thank you. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुभान अल्लाह सख। मौसम जी मैजिकली क्लियर हो गया। हम लोग पिछले 2-3 घंटे से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि मौसम सही हो तो हम निकलते हैं, क्योंकि बुराक को त्राबज़ोन जाना था, इसको त्राबज़ोन नहीं जाना अभी। और हमने प्लान बनाया है गुरकन और मैंने कि हम लोग जाएंगे, कल जो पास हमने करना था वो आज करेंगे, लेकिन हम उसके नीचे वाली साइड से जाएंगे, क्योंकि ऊपर से तो लैंडस्लाइड की वजह से वो क्लोज था। तो अभी देखते हैं कि हम लोग कितना वहाँ पे जा सकते हैं। आज मैंने अपना सारा सामान जो है वो इधर होटल में रख दिया है, क्योंकि मैं नाइट स्टे करूँगा इसी होटल में, वापस आके गुरकन जो है वो चला जाएगा त्राबज़ोन उससे मिलने बुराक से। सो आज मेरा लास्ट डे होगा इनके साथ। अगर आगे जा के कहीं हमारे रूट जो हैं वो सिमिलर हुए तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अभी हमने वो जो टॉप है आपको बाहर नज़र आ रहा है ना, उधर जाना है। उज़ुंगुल बहुत ज़्यादा टूरिस्टी है, स्पेशली अरब टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं,
यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के नाम भी कुवैत सऊदी और इस तरह करके रखे हुए हैं। होटल्स जो हैं वहाँ पे भी जो भी रिसेप्शन पे बैठा होगा या इधर उधर, तो वो लोग बोल रहे होंगे अरबिक और तुर्किश। इंग्लिश बहुत कम है लेकिन गुजारा चल ही जाता है। मैं तो इनके थ्रू गुजारा चला रहा था। ये लोग मुझे बता रहे थे कि लेक बहुत खूबसूरत है लेकिन लेक का सत्यानाश कर दिया टूरिज़म की वजह से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है पहले, बिल्कुल अगर 10 साल पहले आए तो यहाँ पे एक होटल भी नहीं नज़र आएगा। अब सिर्फ होटल्स ही होटल्स हैं टूरिस्ट के लिए। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव रीजन है, बाकी जगहों से मुझे एक्सपेंसिव लगा है यहाँ पे। माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है छोटी सी। ये वाला जो अस्फाल्ट का पैच है ये त्राबज़ोन तक है। हम पहला जो हिस्सा करेंगे इसी पे करेंगे और अगला आई एम नॉट श्योर कि वो भी अस्फाल्ट है ये नहीं है, लेकिन क्योंकि आज दिन का टाइम और मैंने अपना सारा लगेज जो है वो मोस्टली वैसे ही रख दी है, सिर्फ एक बैग पैक है उससे, आई थिंक कि कोई मसला नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विलेजेस हैं और छोटे छोटे खूबसूरत विलेज, कुछ हिल टॉप पे हैं, कुछ साथ साथ इसके रोड के हैं। काफ़ी आबादी है इस एरिया में, स्पेशली टूरिज्म बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से शायद काफ़ी लोग जो हैं वो त्राबज़ोन वगैरह से छोड़ के इधर आए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग त्राबज़ोन वाली रोड को छोड़ेंगे और अंदर की तरफ निकलेंगे। अब देखते हैं कि आगे वाली जो रोड है वो कैसी अस्फाल्ट है या चेंज करती है अपनी कंडीशन। लेकिन वैली काफ़ी खूबसूरत लग रही है और यही एक रीज़न है कि मैंने सोचा कि भाई मैं इनके साथ नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे रह के इसको एरिया को एक्सप्लोर तो करूँ। यहाँ पे इतनी दूर आए हैं और आपने कुछ देखा ही नहीं है। अगर मैंने इनके साथ जाना होता तो सुबह सुबह जो बुराक गया उसके साथ ही फिर मुझे भी निकलना पड़ता और बारिश में हमने त्राबज़ोन पहुँचना था। ये व्यूज़ जो हैं ये तो अभी मिले हैं। यहाँ पे जो विलेजेस हैं और उनकी लोकेशन माशाल्लाह बहुत प्यारी लोकेशन है और सोने पे सुहागा कि आसमान जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब साथ देना शुरू हो गया कि बारिश नहीं हो रही, हल्के हल्के से बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है, मज़ेदार मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है। और अभी मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ जब तक मौसम ठीक है करता, क्योंकि यहाँ पर मौसम का बिल्कुल पता नहीं है। 10 मिनट बाद हो सकता है कि सारा कुछ कवर हो जाए, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो क्लाउड्स हैं और हो सकता है ये सारी वैली को लपेट में ले ले। मेरी अभी लोकल से बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि यहाँ पे मौसम का बिल्कुल पता नहीं चलता, आधे घंटे बाद हो सकता है कि ये सारा एरिया कवर हो जाए। तो बग़ैर टाइम ज़ाया कि हम लोग अपनी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आगे अब पूरे 7.5 किलोमीटर का सफ़र बाकी है उस ज़िगज़ैग पॉइंट तक जहाँ से कल हम लोग वापस गए थे। और मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं कि अगर हम वो क्रॉस करके आ जाते तो हमें सारी जो आगे आसफाल्ट मिलनी थी, हमारी तो ख्वारी होगी वो दूसरी रोड से आते हुए। वहाँ पे एक तो फिर हम वापस गए और ऊपर से कोई आसफाल्ट ही नहीं था, यहाँ से अभी तक सारा आसफाल्ट मिला है। और अगर ज़िगज़ैग पॉइंट तक सारा आसफाल्ट हुआ तो फिर तो हमारी वाकई कल किस्मत इतनी बुरी थी। वहाँ से हमें 3 घंटे वापस जाने में लगे। ओ यार क्या व्यू आ रहा है नीचे से।
सो यहाँ से हमारा अगला सफर जो है वो ऑफ रोड है और तकरीबन 3.5 किलोमीटर है। लेट्स सी कि इस 3.5 किलोमीटर की रोड कैसी है और हमें कितना टाइम लगता है। सो ये है जी यहाँ की हिस्ट्री, अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है। फाइनली मैं D915 के हिस्टोरिकल बैंड्स पे पहुँच गया हूँ। इन बैंड्स को कहते हैं देरे बासी बैंड्स। यहाँ पे इस रोड के ऊपर 13 बैंड्स हैं टोटल और ये रोड काफ़ी हिस्टोरिकल है क्योंकि ये पहली रोड थी जो तुर्की के हाइलैंड्स को ब्लैक सी से कनेक्ट करती थी। जो उधर उस साइड पे गांव है बेबुर जहाँ से हम गुजरे थे, आपने शायद पिछले व्लॉग में देखा होगा, उसको आगे त्रापसन रीजन से कनेक्ट करती थी। और ये रशियन इन्वेजन जब हुई थी तुर्की में उस दौरान बनी थी, 1960 से लेके 1918 के दरमियान। यहाँ पे जो लोकल्स हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाई थी और सारा जो इसका काम है वो हाथ से हुआ, इसमें कोई मशीनरी यूज़ नहीं की हुई थी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि उस साइड पे तो ऊपर तो मुझे पता है कि रोड बंद है, तो जितना मैं ऊपर जा सकता हूँ जाता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास सामान नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी बाइक जो है वो खाली खड़ी हुई है, इसके ऊपर जितना हम जा सकते हुए जाएंगे और बाकी जहाँ से पता चला कि आगे लैंडस्लाइड वगैरह हुई है वहाँ से फिर इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं कि कितना हम ऊपर जाते हैं। ये रोड दुनिया के ख़तरनाक तरीन रोड में से एक है और अगर आप आई थिंक क्या वेबसाइट का नाम है dangerousroads.org, वहाँ पे जाएंगे तो चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि और कौन कौन सी इस लिस्ट में शामिल हैं। नॉट श्योर कि पाकिस्तान वाली कोई रोड इसमें शामिल है कि नहीं है। वैसे पाकिस्तान की जीप राइड से कुछ एरिया की हैं वो भी बहुत ख़तरनाक हैं। ओ तेरी। ये बैंड थोड़ा सा टाइट है। चल 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 रंगीली चल। यहाँ थोड़ा सा स्लो होके व्यू जरा एंजॉय कर लें। सो मेरे ख्याल में हमने सारे के सारे कर्व जो हैं वो कर लिए हैं। ये देखें आप नीचे को नजर आ रहे होंगे और खुशी भी हो रही है, एक्साइटमेंट भी हो रही है और साथ में हैरत भी हो रही है कि मैंने ये कर कैसे लिए हैं। और हैरत की बात है कि मुझे अभी तक गुरकन नज़र नहीं आया, या तो शायद उसने कोई रूट गलत ले लिया है या वो टॉप पे बैठा फोटोग्राफी कर रहा है, इंतज़ार कर रहा होगा। ये खड़ी है जी गुरकन की बाइक और मेरे ख्याल में यहाँ से आगे हम लोग नहीं जा सकते। यस, we made it. So okay, and I should be going back to Burak to Trabzon. Yes, so Gorgan is going back and he will meet Burak. Thank you so much, it was lovely doing ride with you. Thank you. I enjoyed it. Maybe we meet each other again on the road somewhere, hopefully. So enjoy your ride. See you. Be careful when going down. Yeah, it's much harder than going up. Herkes hazırsa.
फाइनली मैं रोड के टॉप पे पहुंच गया और सेम उसी जगह पे जहाँ से हम लोग कल वापस गए थे, और मेरे सामने बिल्कुल वही लैंडस्लाइड है और हम इस साइड पे हैं, कल उस साइड से चले गए थे वापस। बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ और अपने आप पे प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने लिटरली ये किया। और अच्छी बात यह है कि मैंने किसी के प्रेशर में आके कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर मेरे वो साथ होते तो मैं अपनी स्पीड से, अपने जो मेरी कंफर्ट जोन है उससे मुझे बाहर जाना पड़ता, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है अक्सर जो है ना, ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन आज मैंने अपनी स्पेस से किया, मैंने उसे कहा कि तुम आगे जाओ, मैं पीछे अपनी मर्ज़ी से आऊँगा। जब मेरे जितना मुझे टाइम लगा रास्ते में, मैंने फिल्म बनानी है, वीडियो बनानी, कुछ भी करना है, तो मैं उस हिसाब से आऊँगा। तो वो पहले पहुँच गया, अभी वो लोग चले गए नीचे और मैं आराम से अभी थोड़ी यहाँ पे रेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह एंजॉय करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि बैक साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे बादल जो है ना आना स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ गुजारूंगा। हो सकता है क्योंकि मुझे लोकल से बताया था 2 बजे के बाद यहाँ पे हमेशा जो है वो बारिश होना शुरू हो जाती है, इसलिए उससे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब चलते हैं जी नीचे, अल्लाह का नाम लेके। बादल आना शुरू हो गए हैं, लेकिन आई थिंक कि ये हल्के फुल्के वाले बादल हैं, अभी सही सीन स्टार्ट नहीं हुआ। तो हम आराम आराम से जाएंगे, हम बहुत स्पीड नहीं मारेंगे ताकि कोई मसला ना हो, क्योंकि अभी मैं अकेला भी हूँ। चेक करें नीचे व्यूज, सो ये हमारा जी आखिरी कर्व, और उसके बाद हम इंशाल्लाह जाएंगे किसी जगह बैठ के चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी है। और यहाँ पे बारिश के कतरे जो है वो गिरना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब हम सही टाइम पे नीचे उतर आए हैं, और आगे अब कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से बारिश वाले एरिया से निकलते हैं। अभी हम एक गांव आ गए हैं, मेरे ख्याल में ये जो रास्ते में से पास किया तो उनमें से सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पे मुझे एक कैफ़े नज़र आया था, अगर वो दोबारा नज़र आ जाए, वैसे तो उसके पास से गुज़रा था, तो उधर चल के बैठते हैं। ये आ गया जी मेरे ख्याल में चाय वाला ना, इसके पास ही बैठते हैं। करें तशक्कुर।
चेक करें रिवर का पानी कितना साफ है। ये मेरे ख्याल में लेक से गुजर आ रहा है, लेक क्योंकि पीछे है, ये लेक के एक साइड से आता है और दूसरी साइड से कहीं और चला जाता है कि जिस साइड पे मेरा होटल है वहाँ से भी एक दरिया गुजर रहा है और वो सीधा लेक में जाता है और ये लेक से निकल रहा है। हम लोग एंटर हो गए हैं जी उज़ुंगुल लेक और यहाँ से मुझे लगेंगे और 5 या 7 मिनट होटल जाते हुए। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले होटल जाऊँ या सोच में हूँ कि खाना पहले खा लूँ। अगर मैं खाना नहीं खाता तो 1-1.5 घंटा जो ना आने जाने में लग जाएगा। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा आइडिया यही है कि जाते हैं सीधे जाके खाना खाते हैं और उसके बाद होटल जाएँगे। तो यहाँ पर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूँढते हैं और पेट पूजा करते हैं क्योंकि आज सुबह का सिर्फ नाश्ते की है और उसके अलावा कोई ख़ास चीज़ खाई नहीं है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट देखा मैंने, कहा वहाँ पे चलते हैं, दोगा के दोगा रेस्टोरेंट, धोखा ना दे बस दोगा। ओय ये कपड़े जो है ना मिनटों में बारिश ने जो है काम दिखाया। यहाँ पे खड़ी करते हैं, खाने में मैंने आज अपने लिए मंगवाया था इट सोते या इसे कहते हैं मीट सोते, ये मीट होता है साथ में चीज़ और कुछ साथ में टोमेटोज और इस तरह की चीज़ें मिला के ये बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और इसके साथ मेरा आज का दिन ख़त्म हुआ। लिटरली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि 12 बजे तक मौसम इतना ख़राब था, मैं सोच रहा था अपने रूम में रहूँगा कहीं जा नहीं सकूँगा और इसीलिए मैंने अपने लिए इतना अच्छा रूम लिया। नॉर्मली मैं तुर्की में जब से आया हूँ पे करता हूँ तकरीबन 80 लीरा से ले कर 110 से 120 लीरा तक, ये बन जाते हैं 12-13 यूरो, लेकिन इस जगह के मैंने पे किए हैं 200 लीरा जो कि थोड़े ज़्यादा बनते हैं। बहुत अच्छा रूम है इसका, ये कि एक तो 4 स्टार है और 4 स्टार में मुझे नहीं पता कि आपको 50 के करीब जो है वो तकिए दे देते हैं, लेकिन खैर। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।